चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। आज हमें प्रशासनिक व्यवस्था पूरी हो गई थी ना, कल शायद हमने मध्यकाल का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दिल्ली सल्तनत। सल्तनत शब्द क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि आपके यहाँ तुर्की और अरबी और अफगानी यही लोग तो आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत को किसी एक नाम से पुकारें तो क्या पुकारें, तो गलत कहते हैं वो, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में स्टार्टिंग जहाँ तुर्की शासकों से हुई, वहीं हमने देखा था कुछ लोगों ने गैर तुर्की सरदार भी बनाए थे। याद है तुम्हें ये? इल्तुतमिश की बेटी रजिया ने गैर तुर्की सुल्तान ही तो ये बनाए थे सरदार, जिस बात से खफा होकर उसके भाई बंधु और जो अमीर थे तुर्की वो गुस्से में आके इसके खिलाफ प्लानिंग करते थे। अगर कहें देश पे जब आक्रमण हुआ था वो कौन से वाला 14 कब का था वो 1300 1399, अच्छा 98 था, 99 तो नया शुरू हो गया था ना, 98 में जब वो तैमूर नाम का आदमी, इसके बाद सब कुछ बदला। और इसके बाद जो वो सैयद बनाए थे उनका तो कोई यहाँ से मतलब भी नहीं था कोई, ऐसे ना तो वो खास तुर्की के आदमी थे ना कोई वो अरबी थे, ऐसे ही गवर्नर टाइप का आदमी था। बट जो बातें चीत किए जा रहे हैं ना, थोड़ी सी बुद्धि का विकास करो। ये दो नंबर वाले ना तीन नंबर में आके ऐसे दुखी करते हैं, थोड़ा एग्जॉस्ट चला दो यहाँ, ये वाले एग्जॉस्ट चला दो दोनों। ये जो दो नंबर से उठ के आ जाते हैं ना, इनको पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है, बात नहीं करनी होती यहाँ के। अब तुम आगे पढ़ने की क्लास में अपने व्यवहार को थोड़ा सा बदलो। तो देखो 1398 में तैमूर के आने के बाद आपके देश में कुछ सालों तक, ज्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन सैयद वंश टिका, जिसमें कि देखो पहले वाले ने तो सिक्का भी नहीं चलाया और तैमूर के पोते को शाहरुख को टैक्स भेजता रहा, उसके बेटे ने माना कि भाई हम सुल्तान हैं और बोला हम क्यों ना सुल्तान बने, शाह सुल्तान की उपाधि, ये सब हमने पढ़ लिया था। दिल्ली सल्तनत के तुमने जो पढ़े वो थे गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी, ये सैयद और लोदी, ये पांच वंश थे। अब इन पांच वंश में तुमने मेन बातें तो पढ़ ली, लेकिन इनके सिस्टम को समझने के लिए जो बातें मैं तुमसे बहुत बार बताती थी वो सब किताब में भी तो लिखी हुई है ना, उनको सिस्टमैटिक, यानी इनका प्रशासन, इनकी आर्थिक नीतियां, ये कैसे टैक्स इकट्ठा करते थे और इनकी सैनिक गतिविधियां, इन सबको अलग अलग करके भी पढ़ना पड़ेगा। उससे क्या फायदा होगा, चीज समझ में आ जाएगी। जैसे एक तो होता है मोटी बात समझ में आ गई, राजा थे काम करते थे, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए कहेंगे सेना का सबसे बड़ा पद इनमें से क्या था और सेना को किस हिसाब से बांटा गया, तो सेनापति बड़ा पद नहीं था, सेनापति तब था जब आपके हिंदुओं का काल था। अब यहां चीजें बदलेंगी, या कह देंगे कि जो विभिन्न प्रकार के बाजार थे इनके ऊपर सबसे बड़ा जो अधिकारी था उसको किस नाम से बुलाया गया, तो अलग अलग बाजार, अलग अलग आदमी, सेना की टुकड़ियां अलग, प्रशासन का काम अलग। क्या इस टाइम भी केंद्र शासित प्रदेश थे या प्रांत थे, किस हिसाब से शासन चलता था, ये सब समझने के लिए आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, सैनिक नीतियां, प्रशासनिक नीतियां और आर्थिक गतिविधियां कि कैसे क्या काम करते थे, अब सब कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। इसमें देखो जरा कहां कल टॉपिक हमने पूरा किया था, पेज 28 का दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का एक पार्ट पढ़ लिया था, है ना, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, उत्तराधिकार और राजत्व का सिद्धांत। हमने ये भी पढ़ा था कि जब ये शुरू शुरू में आए, एक बार इसको समझेंगे फिर ये तुम्हें बहुत आसान दिखेगा, मैं एक एक की मेन हेडिंग बताती जाऊंगी। क्या लिखे इसकी हेडिंग में, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार का कौन सा सिद्धांत, हाँ राजत्व, राजस्व नहीं लिखा, राजत्व, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब इसको ध्यान से रिवाइज कर लो, पहले सुन लो फिर किताब तुम्हें लगेगा बहुत आसान, वरना टफ है ये टॉपिक। उत्तराधिकार के नियम की जब बात करें तो ऐबक ने कहीं नहीं लिखा कि मेरा बेटा राज करेगा, यानी यहाँ पे उत्तराधिकार का अधिनियम नहीं था। इल्तुतमिश ने 26 साल में राज करके इसके देखते देखते इसका बेटा मर गया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया और अपने जीते जी कह गया भाई मेरे बाद मेरी बेटी यहाँ की शासिका, यानी इसने वंशानुगत राजपाट को पक्का करने की कोशिश की, किस आदमी ने, इल्तुतमिश। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हमने पढ़ा था रजिया 4 साल बाद मर्डर के बाद बहराम शाह, जिसके के टाइम में ऐतगीन को बनाया गया नायब ए ममलिकात, ऐतगीन का मर्डर, फिर इल्तुतमिश का पोता, और फिर हमने देखा था वैसे ही उठा के नासिरुद्दीन महमूद, जिसके टाइम में असली शासक बलबन, यानी इल्तुतमिश का वंशानुगत सिद्धांत लंबा नहीं टिक पाया। फिर हमने देखा था इनकी बस ऐसे ही करते करते गुलाम वंश खत्म हो गया लास्ट में आके, और बलबन एक आदमी था जो कि खुद पहले गुलामों का गुलाम रहा था, इल्तुतमिश का भी गुलाम रहा था ना ये, जो खुद किसका गुलाम था, ऐबक का, और ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का। बलबन को लगा मैं लोगों से कैसे अलग हूं, तो इसने राजत्व में, याद करें हम, ना था ना बोलता था, सीरियस होकर बैठा रहता था, किसी से बात नहीं करता था, अपनी बात इस तक पहुंचाने का बस एक वजीर ही माध्यम हुआ करते थे। इसने लोगों के मन में डर, भय पैदा कर दिया राजा के खिलाफ कि भाई राजा है तो भगवान है, जिल्ले इलाही याद होगा ना, इसने अपने लिए यूज किया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा समझदार था और उसने कहा भाई ये वंशानुगत को मैं नहीं मानता, उसने सैनिकों के हुलिये लिखना, MRP तय करना, स्थायी सेना, घोड़े दागना, वो समझदार आदमी था, लेकिन उसका वंश टिक ही नहीं पाया। ये तो वैसे भी खिलजी क्रांति के देन थे ना, वो तुर्की जो भाग आए थे आदिवासी। इसके बाद जो अगले आए जिनमें कि कौन आदमी था, वो गाजी, जिसने ये कहा कि गाजी बेग तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, जिसने ये कहा कि भाई ये जो हिंदू एक मुसलमान बदल के बन के बैठ गया ये इस्लाम के लिए खतरा है, पढ़ा नहीं था हमने, उसने कहा गाजी विधर्मियों का नाश करने वाला। इस तुगलक का बेटा इसके रहते रहते MBT था, जौना खान, जूना खान, साउथ में गया और पूरे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। इसने इसको देखे तो फिर MBT का तो बेटा ही नहीं था, फिर MBT के चाचा का लड़का फिरोजशाह तुगलक राज करेगा, उसके बाद कोई ताकतवर राजा नहीं मिलेगा। इन लोगों को देखें तो ये किसी राजा के बच्चे नहीं थे, मैंने आपको बताया था तुगलक कोई जाति नहीं थी, तुगलक नाम था, ये कोई राजा कैसे नहीं कि वंशज हैं किसी बड़े उसके। तो हम देखें तो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें बदली हैं, वंश
बात की कोशिश की थी इल्तुतमिश ने, लेकिन रजिया के बाद कोई उसको आगे बढ़ा नहीं पाया। फिर बलबन ने थोड़ा सा उनको अलग हटके कटके दिखाया कि राजा भगवान के बराबर है, जिले इलाही है। फिर हम देखते हैं ये जो सेकंड वाले थे अलाउद्दीन वाले, ये तो भागे हुए वहां से आदिवासी टाइप के लोग थे और यहां आके ये राजपाट संभाल रहे थे। फिर तुगलकों को देखें तो ये गाजी की उपनाम रख के कि विधर्मियों का नाश करूंगा, ये हिंदू मुसलमान बनकर देश कैसे चलाएगा, इस तरह का। और फिर इनके रहते रहते वो एक आदमी आ गया जिसका नाम क्या था, तैमूर, जिसके आने के बाद तो तुर्की सरदार गायब बराबर हो गए। और फिर हम देखते हैं ऐसे विदेशी सैयद वंश शुरू कर देगा खिजर खान नाम का, जिसका बेटा कुछ दिन राज करेगा पर ऐसा ताकतवर वो भी नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कहां से लोग आएंगे, और वो वहां से अफगानी पठानों को बुलाएंगे और सेना का अफगानीकरण कर देंगे, अफगानिस्तान के लोगों को बुला के यहां राजा के बराबरी पे बैठा देंगे और सुल्तान खुद खड़ा रहेगा कि मेरी ये जो मेरे सरदार हैं ये मेरे बराबर हैं, विद्रोहों को दबाने के लिए माहौल अच्छा देगा। सब पढ़ा था ना हमने, इसी को अब इसमें सिस्टमैटिक पढ़ेंगे। देखो, दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकार और राजत्व का सिद्धांत, पहला पॉइंट देखो, मुस्लिम शासकों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था। तो क्या हिंदू शासकों में था उत्तराधिकार का सिद्धांत? बिल्कुल, वैदिक काल के वेदों में लिखा था कि जिस इंडियन राजा का राज्याभिषेक करेगा वो तो ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक होगा, ये रूल था ना हमारा। मुस्लिम शासकों में कोई रूल नहीं, जो जिसका मर्डर कर देगा वही आपके यहां राज करेगा। मर्डर अपने यहां भी हुए थे, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किए थे, हम पितृहंता वाले देश में रह रहे हैं, लेकिन हमारे वेदों में लिखा था कि कायदे से राजा का बड़ा बेटा ही, ज्येष्ठ पुत्र ही राज्याभिषेक का उत्तराधिकारी है। तो ये टिक कर लो, मुस्लिम शासकों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने सल्तनत में वंशानुगत शासन का सिद्धांत लागू किया। तो पूछेंगे वंशानुगत सिद्धांत दिल्ली सल्तनत में कौन लाया? इल्तुतमिश, क्योंकि ये खुद गुलाम था। किसका? ऐबक का। वंशवाद नहीं था, उसका बेटा नहीं था ये। आगे पढ़ना, उसने अपने पुत्रों के स्थान पर पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया, क्योंकि इसका बड़ा बेटा तो मर गया था और इसका छोटा बेटा निकम्मा था, तो इसने अपनी बेटी को बना दिया राजा। नेक्स्ट चेक करना, बलबन ने राजत्व को अमीर वर्ग से ऊपर रखा। कितना अजीब था बलबन, पहले खुद किसका मेंबर था? चालीसा का, और क्या बना था? नायब ए ममलिकात। और बनते ही सुल्तान, पहले ममलिकात का पद और फिर वजीर की इंपॉर्टेंस और चालीसा का खात्मा। ये टिक कर लो, बलबन ने राजत्व को अमीर वर्ग से ऊपर रखा। उसका मानना था कि राजा देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। जिले इलाही का टर्म इसी के लिए था। अगले पेज पे आ जाओ, खिलजी क्रांति। क्या थी खिलजी क्रांति? बहुत सारे तुर्की मानते थे कि ये खिलजी तो आदिवासी भाग के आए हुए लोग हैं, ये कोई ताकतवर प्रजाति नहीं है। टिक कर लो, 1290 से शक्ति का हस्तांतरण हो गया एक सजातीय वर्ग से विषम जातीय वर्ग को हो गया। विषम जाति क्यों कह रहे हैं खिलजियों को? क्योंकि ये आदिवासी हैं। लिख लो यहां, तुर्किस्तान से अफगानिस्तान आने वाले आदिवासी थे खिलजी। तुर्किस्तान मतलब तुर्की या टर्की, तुर्किस्तान से अफगानिस्तान आने वाले आदिवासी थे खिलजी। तो उनका एक वंश था, ये कह रहे हैं भाई हमारा वंश तो ऊंचा था, ये अगले जो है तो नीचे वंश के, क्योंकि तो आदिवासी हैं। तो तुर्की से या तुर्किस्तान से अफगानिस्तान आने वाले आदिवासी थे खिलजी। आगे पढ़ो, गयासुद्दीन तुगलक। अब ये क्या नारा देगा? विधर्मियों का नाश हो। अपने आम क्या क्या लगाएगा? गाजी। टिक कर लो, गयासुद्दीन तुगलक के सुल्तान बनने से कुलीन तंत्री आधार, जो जनजातीय आधार पर शासन करने का प्रचलन समाप्त। कौन था जनजातीय आधार वाला? जनजाति खिलजी। लिख लो जनजाति का खिलजी। ये खिलजी जनजाति तो ट्राइब तो थे, ये जंगलों से भागे हुए, तो ट्राइब्स को खत्म कर दिया गयासुद्दीन ने। ट्राइब्स किसको खत्म करके आए थे? गुलाम वंश को। अब ट्राइब कौन है? ये खिलजी। इनको किसने खत्म किया? गयासुद्दीन। और अपने नाम के आगे क्या लगाया? गाजी। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला था वो। नेक्स्ट पढ़ो, खिजर खान। ये फिर अलग हो गया। खिजर खान ने सरदारों द्वारा चयनित दौलत खान लोदी को हराकर स्वयं सत्ता हथियाली और सैयद वंश की स्थापना की। टिक कर लो, खिजर खान सैयद वंश। नेक्स्ट पॉइंट, बहलोल लोदी। ये क्या करेगा? कहां से बुलाएगा? अफगानिस्तान से। अंडरलाइन करना के सुल्तान बनते ही जातीय एकाधिकार फिर से आरंभ हुआ। अब ये किसको आगे रखेगा हर चीज में? अफगान। लेकिन ये हिंदुओं को सबको संतुष्ट रखेगा। लोदी काल में राजनीतिक पदों का ही नहीं अभी तो सेना का भी अफगानीकरण। टिक कर लो, सेना का भी अफगानीकरण कर दिया। आगे पढ़ना, तुर्की अमीरों को अपने समान समझता था और सिंहासन पर बैठने में संकोच करता था, और जब सरदार खड़े होते थे तो ये भी सीधे कि भाई मैं अगर सरदार मेरे सामने खड़े तो मैं बैठ नहीं सकता क्योंकि बेशक मैं सुल्तान हूं। नेक्स्ट पढ़ना, अलाउद्दीन खिलजी ने भी सुल्तान पद की गरिमा को बनाए रखा और सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। हम जानते हैं इसने दो प्लान बनाए थे, नया धर्म चलाऊंगा और विश्व विजय करूंगा। इसका बहुत अच्छा दोस्त था दिल्ली का कोतवाल, जिसने कहा नहीं ये गलती मत कर। फिर इसने नाम तो जोड़ लिया कि सिकंदर ए सानी, लेकिन विश्व विजय का सपना छोड़ दिया। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के इसको रीडिंग कर लेना, अगला अंडरलाइन करना। अलाउद्दीन के समान ही मोहम्मद बिन तुगलक भी शासन में किसी वर्ग या व्यक्ति का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। शुरुआत में उसने न अपने सुल्तान पद के लिए खलीफा से स्वीकृति ली और न ही अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। याद है इसके सारे प्रोजेक्ट फेल हुए थे। फिर ये सीधा होकर सिक्के पे भी खुतबा पढ़वाएगा और फिर ये पूजा पाठ और सारे काम करेगा। कौन था ये आदमी? एमबीटी। एमबीटी पहले योग्यता की बात करता था, लेकिन जब प्रोजेक्ट फेल होंगे ना 25, 27, 27, 33, 35, 37, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करना, मोहम्मद बिन तुगलक ने पढ़ लो आगे, न्याय विभाग पर उलेमा वर्ग के आधिपत्य को खत्म किया और अंडरलाइन करना, योग्यता के आधार पर पद बांटे। तो कौन पढ़ा लिखा था? खुद एमबीटी। उसने कहा योग्य आदमी ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट चेक करना, हिंदुओं के साथ उसका व्यवहार सहिष्णुतापूर्ण था। लेकिन इस एमबीटी का कोई बेटा तो है नहीं, इसके चाचा का लड़का याद है, थोड़ा दिमाग से हिंदुओं के मंदिर तोड़ता था, मरम्मत नहीं करने देता था, और इसने क्या कहा था कि जितने ये मंदिर वंदिर की किताबें भी जला दो। ये बातें बताई थी मैंने तुम्हें, यही था वो आदमी। नेक्स्ट चेक करना, फिरोज तुगलक, ये जो रजब का बेटा था, फिरोज तुगलक ने हर काम उलेमा वर्ग की मर्जी और शरीयत के अनुसार किया। उलेमा जैसे हमारे पंडित होते हैं ना, ऐसे इनके उलेमा जो धर्म का ज्ञान दे। तो इसने सब कुछ इनसे पूछा और सुल्तान के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। लेकिन आप इसको दो लोगों से कंपेयर करते हैं, सल्तनत काल का अकबर और
सिकंदर और औरंगजेब का पूर्वगामी, कट्टर भी था, लेकिन अकबर की तरह इसने सराय, विद्यालय, सड़कें, अस्पताल और पता नहीं कितने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट बनवाए। यहाँ लिख लो, जहाँ लिखा है ना गरिमा को ठेस पहुंचाई, लिखो यहाँ सल्तनतकालीन अकबर, अच्छे कार्यों के कारण था ये, सल्तनतकालीन अकबर। और किसका पूर्वगामी था ये? औरंगजेब, मतलब कट्टरता में बहुत आगे था। औरंगजेब और सिकंदर लोदी, जो कि अगली पीढ़ी में दिखाई देगा लोदी वंश में, इनका पूर्वगामी यानी इनसे पहले जो आ गया। चलो अगला पॉइंट करना, लोदियों के शासनकाल में राजत्व सिद्धांत सरदारों की समानता बराबरी किस किस की थी इसने? पहले वाले लोदी ने, भाई इसने क्या कहा था कि मेरे अगर सरदार हैं तो मैं उनके बराबर हूँ, याद है इसने बराबरी की बात की थी, वही पॉइंट है। तो लोदियों के शासनकाल में राजत्व सिद्धांत सरदारों की समानता पर आधारित था, उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी। बहलोल लोदी द्वारा अफगान अमीरों को दी गई रियायतों से शाही ताज की गरिमा का पतन हुआ, राजतंत्र की प्रतिष्ठा घटकर उच्च अमीर वर्ग के बराबर हो गई, क्योंकि वो अगर खड़े हैं तो ये भी कहेगा मैं नहीं बैठ सकता क्योंकि ये मेरे बराबर हैं। तो किसने इस गरिमा को कम किया इस हिसाब से? लेकिन इस कम करने के चक्कर में कितने साल राज कर गया? 39 ईयर्स, यही तो सबसे लंबा अकेला था। कब बना था ये? 1451 में, और रहा ये 1489 तक। तो कुछ लोग इसको पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ नेगेटिव। नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रशासनिक संरचना, प्रशासन कैसे चलता था। पहला पॉइंट देखो, मध्यकालीन भारत प्रचना मुख्यतः, अंडरलाइन करना, फारसी और अरबी पद्धति पर आधारित थी, जबकि सैन्य संगठन तुर्की और मंगोल पद्धति पर, क्योंकि लड़ाकू जहां जरूरत पड़ती वहां तुर्की और मंगोल बेस्ट लड़ाकू थे, और जहां प्रशासन करना पड़ता वहां दो भाषाएं अरबी और फारसी। तो इनका मतलब ये कितने समझदार हैं, जहां जिस चीज की जरूरत है वो यूज कर रहे हैं। अगला पॉइंट करना, या इससे अगली पढ़ लो, हिंदुओं की भू राजस्व पद्धति को भी इन्होंने कायम रखा जो हमारी एंशियंट थी। इस प्रकार प्रशासनिक संरचना मिश्रित ढंग की थी, टिक कर लो ये, प्रशासनिक संरचना कैसे ढंग की है? मिश्रित। एक तरफ ये अरबी फारसी में, देखो अपनी यानी हमारी किताबें ले जाते थे चुरा के, ज्वालामुखी मंदिर से किताब उठाई कोई 1300 ट्रांसलेट, किस भाषा में? अरबी फारसी। जब लड़ने की बात आती है तो ये तुर्की और मंगोल, भाई लड़ना कैसे तो उनके हिसाब से। नेक्स्ट करना, सुल्तान, केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान था, राज्य का सर्वोच्च संचालक था, न्यायाधिकरण में सबसे बड़ा निर्णायक था, और सेनाओं का प्रधान सेनापति, यानी उसके नीचे सबसे बड़ा, अगर सेना में कहेंगे तो भी राजा, न्यायालय में कहेंगे तो भी राजा, और देश का प्रमुख कहेंगे तो भी राजा, हर चीज में इसकी। तो आज भी तो ऐसा ही है, तुम्हारे देश का हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीनों सेनाओं का प्रधान कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीजेआई के दिए मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 72 पढ़ रखा है ना हमने। तो सेम ये थे, इनके यहां भी ऐसा, लेकिन तुम्हारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिखावटी है, ये असली में ताकतवर था। आगे पढ़ो, राज्य के सभी महत्वपूर्ण मामलों को मजलिस ए खलवल, मजलिस ए आम में चर्चा करता था। आज भी हम देखते हैं मजलिस नाम की संसद है कई कंट्रीज में ना, मजलिस, तो ये वहीं से शब्द आया, मजलिस ए आम। नेक्स्ट पॉइंट करना, सुल्तान सभी विभागों और राज्य की प्रत्येक शाखा का स्वयं संचालन करता था। आगे पढ़ लो, मंत्रियों के वर्ग की सहायता से मंत्री अपने अपने विभागों के प्रभारी होते, किंतु उनकी नीति, अंडरलाइन करना, नीति सदैव सुल्तान द्वारा निर्देशित और शासित। इसको मान लो पीएम और कैबिनेट, कैबिनेट में हर किसी को काम दे रखा है, लेकिन चलना सबको किसमें ध्यान, क्या ध्यान है? पीएम, पीएम का फंडा क्या है। तो हम आज भी इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अगले पेज पे आ जाओ, अमीर वर्ग, कौन थे अमीर वर्ग के लोग? हाँ, जो अमीर थे ये कई तुर्क थे, कई गैर तुर्क भी थे, पैसे वाले आदमी। पढ़ लो, राजकीय शक्ति पर व्यवहारिक नियंत्रण रखने में अमीर वर्ग का दबाव, टिक करना, अमीर वर्ग का दबाव और उलेमाओं का प्रभाव, ये दो इंपॉर्टेंट थे। 13वीं शताब्दी में अमीर वर्ग में विदेशी मूल के लोग थे जो दो समूहों में बट गए, तुर्की अमीर और गैर तुर्की अमीर वर्ग। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट करना, लोदियों के काल में अमीरों का सम्मान इतना बढ़ा कि उन्हें सुल्तान समानों में प्रधान की तरह रह गया। किसने कहा था कि मैं अपने प्रधान इनके बराबर हूं? तो यहां यहां किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई? अमीरों की, सरदार, लेकिन किसकी इंपॉर्टेंस घट गई? सुल्तान की। अभी पिछले पेज पे यही तो पढ़ रहे थे तुम। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट करना, उलेमा वर्ग इस्लामी कानून शरीयत कुरान हदीस पर आधारित थे। उलेमा इनको एक्सप्लेन करता था कि क्या कहती हैं किताबें। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट करना, बलबन ने उलेमाओं को कुछ सीमा तक राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया जबकि अलाउद्दीन ने उन पर नियंत्रण लगाया। याद नहीं, अलाउद्दीन ने कहा था भाई तुम्हारा काम अलग है, अलग रहो, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। इसके बाद केंद्रीय सरकार पे आ जाओ, केंद्रीय सरकार में डिपार्टमेंट होंगे मंत्रियों के, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते ना ऐसे। पहला पॉइंट करना, केंद्रीय सरकार के आधार स्तंभ मंत्री या शाही दीवान होते थे। अगला पॉइंट पढ़ लो, बर्नी कहता है, बर्नी कौन है ये? जियाउद्दीन बर्नी। इसने कोई किताब लिखी थी फिरोज शाह के टाइम पर ना, क्या नाम था, तारीख ए फिरोज शाही, जिसमें हमें इसने पूरी गाथा किसकी बताई? एमबीटी की। बर्नी और बदायूनी दो अलग अलग आदमी थे। बदायूनी ने कहा राजा के मरने से प्रजा को मुक्ति, प्रजा खुश है आज। चलो आगे पढ़ लो, तो राज्य का ये सेकंड पॉइंट पढ़ना, बर्नी के अनुसार सल्तनत के प्रशासन में चार प्रमुख मंत्री, डबल टिक कर लो, आज भी तुम्हारे देश में पीएम के खास चार ही लोग होते हैं जो मेन आदमी होते हैं, पढ़ लो, जिनके ऊपर सल्तनत का संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा टिका हुआ था। दीवान ए विजारत, अंडरलाइन कर लो, दीवान ए विजारत, ये मेन था, पैसे का डिपार्टमेंट है ये, जितना पैसा आएगा पैसे से ही देश चलता है, पैसे से दुनिया चलती है। दीवान ए अर्ज, दीवान ए इंशा और दीवान ए रसालत, ये चार बड़े थे। अगला पॉइंट करना, राज्य का प्रधानमंत्री वजीर था, तीन पढ़े थे ना हमने, सुल्तान, नायब ममलिकात और वजीर। किसने सुल्तान, ये सुल्तान को नीचे करके नायब ममलिकात बना दिया था, जब इल्तुतमिश की बेटी के बाद उसका बेटा राज कर रहा था बहराम शाह, तब तुर्की सरदारों ने नया पोस्ट कौन सी, नायब ममलिकात, ठीक है, प्रधानमंत्री वजीर, दीवान ए विजारत राजस्व विभाग, तो पैसे का डिपार्टमेंट था विजारत के पास। एक पॉइंट छोड़ के अगले में सेकंड लाइन टिक करना, अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग, एमबीटी ने बनाया था ये, बाकी इतने सारे विभाग सारे नहीं पढ़ सकते, नहीं ये याद होंगे, अब मैं टिक मार्क करा दूं तो लॉजिकल नहीं है क्योंकि वो सारे याद करना इंपॉसिबल है। अगले पेज पे आओ, पहला पॉइंट टिक करो,
तुगलक काल मुस्लिम वजीरात का स्वर्ण काल था, यानी वजीर तुम्मेन सेनापति बड़ा अच्छा टाइम बीता। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा, तभी तो सब कुछ खत्म हुआ। फिरोज तुगलक के बाद तुगलक साम्राज्य पूरा नहीं बैठ गया और सारे तुर्की भी गए। फिर कौन आए थे? सैयद, और फिर आए थे अफगानिस्तान के लोदी वंश। सब खत्म हो गया। इसके बाद तीन पॉइंट छोड़ देना, अगला पॉइंट टिक करना। अलाउद्दीन ने वित्त विभाग के अधीन दीवाने मुस्त खराज, कौन सा था ये? खराज, खराज टैक्स के लिए था ना ये, दीवान ए मुस्त खराज नामक विभाग स्थापित किया। किसने बनाया मुस्त खराज? अलाउद्दीन ने। चार धर्म ने जिसको मान्यता दी वो चार तरह के करते, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। खराज के लिए डिपार्टमेंट क्या है? दीवान ए मुस्त खराज। किसने बनाया ये? अलाउद्दीन ने। इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाओ। एमबीटी ने दीवान ए अमीर को ही, तो दीवाने को ही भी बोलते हैं, कृषि विभाग है ये। एमबीटी ने, एमबीटी को खेती के ऊपर याद है लोन भी देना पड़ा था, उसने कहा था, हाँ क्या नाम था उसका, तकावी, कृषि ऋण कितने का दिया था? 2 करोड़ टका, जो किसको माफ करने पड़े थे? फिरोज शाह। तभी तो सब कुछ बैठता चला गया, फिर 1398 में अटैक हुआ, फिर ये पूरे खत्म हो गए, तभी तो फिर सैयद आएंगे। ये टिक कर लो। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही, यहाँ लिख लेना कृषि, और तीसरी लाइन में टिक करना बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाना। नेक्स्ट भी टिक करना, सेना का प्रधान रक्षा मंत्री आरिस ए मुमालिक। नेक्स्ट लाइन में टिक करो, इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती, उनका वेतन निर्धारण, उनका विवरण रखना, सैनिकों, घोड़ों का हुलिया संबंधी रिकॉर्ड, सैनिक अभियानों का आयोजन और सेना का निरीक्षण, यानी सेना के ऊपर कौन था? आरिस ए मुमालिक, ये आदमी बना रखा था। तीन पॉइंट छोड़ दो, अगला टिक कर लो, दीवान ए रसालत, ये विदेश मंत्री था। फिर एक पॉइंट छोड़ दो, अगला टिक कर लो, जकात, जकात क्या था? टैक्स। जजिया था हिंदुओं पर और जकात था मुसलमानों पर, अंडरलाइन कर लो। जकात नामक कर से प्राप्त धन पर सद्र उस सुदूर, यानी जो हेड होगा उसका अधिकार होता था, जिसका प्रयोग शाही खैरात बांटने, खैरात पता है ना, जो फ्री में चीजें दी जाती थी, खैरात बांटने में, विद्वानों और जरूरतमंदों को देने, मस्जिदों मदरसों की देखभाल में खर्च होता था। तो जकात टैक्स जो कौन देते थे? मुसलमान। इससे इकट्ठे पैसे को ये विद्वानों को मस्जिदें बनाने में, मदरसे बनाने में राजा खर्च करता था, इस टैक्स का यूज। आज भी तो ऐसा ही होता है, आपके टैक्स से ही तो ये सरकारी स्कूल चलते हैं, आपके टैक्स से सारा सरकारी जो सिस्टम है ना, ये आपके हमारे दिए टैक्स से ही चलता है, तब भी ऐसा ही था। बरीद ए मुमालिक टिक कर लो, सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान। अगर हम याद करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने पता करवाया था लोग क्यों गड़बड़ करते हैं, तो बताया था ये शराब पीते हैं, षड्यंत्र करते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा भूमि है, तो याद है इसने भूमि वापस ली थी, खालसा बना दी थी, राजा की भूमि बना दी थी, वही है ये बरीद ए मुमालिक। बरीद होते थे गुप्तचर। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, दिल्ली का प्रशासन एक कोतवाल के हाथ में था। किसका दोस्त था वो कोतवाल? जिसने अलाउद्दीन खिलजी का, कोतवाल के हाथ में था, जो न्यायिक और पुलिस विभाग का कार्य। अच्छा जतिन है कोई, कौन से गांव से? अच्छा कवाली गांव से कोई जतिन है, उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, तो चले जाए, अगर कोई गड़बड़ में होगा तो वैसे भी नहीं जाएगा, पेरेंट्स आए तो चले जाना चाहिए, अगर कोई है जतिन, चलो अपने आप चला जाएगा, हम पढ़ लेते हैं। कोतवाल के हाथ में, तो कोतवाल क्या संभालता था? दिल्ली। तुम अगर कभी दिल्ली गए हो तो आज भी दिल्ली के कई इलाकों में कोतवाली लिखा होता है, चांदनी चौक के आसपास देखा है तुम लोगों ने, कोतवाली लिखा होता है, पुलिस स्टेशन को बोलते थे। अगला पॉइंट करना, मुहत्सिब, जो ये अपना एक बहुत बड़ा राजा था हिंदू टाइम पर, जिसका नाम था अशोक, कौन सा धर्म अपनाया था? फिर इसने पता क्या किया था? बौद्ध धर्म में ना इसने कुछ लोगों को प्रचार प्रसार पे लगाया कि लोगों को जाओ आचरण अच्छा कैसे बने, कैसे व्यवहार अच्छा बने, व्यवहार और आचरण हमारे घर का भी आईना होता है। देखो कुछ इतने जाहिल है ना, इनको समझ में नहीं आता, सुन लो इन बातों को, तुम्हें कोई नहीं बताएगा, फिर जब पेपर में चीजें आएंगी ना, फिर तुम कहोगे पता नहीं कहां से आ गया, ये जो जबान से चीजें बोली जा रही है ना, ये हेल्प करती है उस टाइम पे जब पेपर टफ आता है, कि ये भी टिक मार्क करने में ना, कुछ लोगों के तुक्के सही लगते हैं, कुछ को पता ही नहीं होता, तुक्के लगाने के लिए भी एक बेस होना चाहिए नॉलेज का, ऐसे किसी के तुक्के भी ठीक नहीं होते। सुना करो सारी बातें, तुम्हारे फायदे के लिए, इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, अब कम से कम 6-8 महीने की किताब दोबारा नहीं उठाएंगे, तो इसको ध्यान से सुन लो और समझ लो, टफ है ये प्रशासन, ऐसे कोई मजाक नहीं कि प्रशासन पढ़ लिया और समझ में आ गया। क्या बात कर रहे थे? मुहत्सिब की। तो अशोक जो हमारा हिंदू टाइम का बौद्ध धर्म जिसने आगे बढ़ाया, उसने भी ना आचरण पर निगरानी रखने के लिए धम्म महामात्र, तुम्हें अगर वर्ड पता हो, ये बनाए थे, जो धम्म की, आचरण की शिक्षा देते थे। इंसान की ग्रोथ सबसे ज्यादा तब होती है जब वो एक ऐसे समाज में हो जिसमें सबका आचरण अच्छा हो, जैसे अगर पूरा समाज घटिया है ना, तो आप अकेले अच्छे बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है। तो इन लोगों ने मुहत्सिब बनाए। मुहत्सिब कौन थे? जो लोगों को अच्छे आचरण की जानकारी देते थे। इसका मतलब राजाओं ने आज से नहीं, सदा से काम किया कि हमारे अंडर जो लोग हैं, इन सबका व्यवहार और आचरण भी अच्छा हो, उसके लिए मुहत्सिब हैं। ये टिक कर लो, मुहत्सिब। इसी लाइन में पीछे टिक करना, लोगों के सामान्य आचरण का रिकॉर्ड रखता था और नैतिक नियमों को लागू करवाता था। तो क्या नैतिक नियम भी जरूरी होते हैं समाज के लिए? बिल्कुल। अगले पेज पर आ जाओ। पहला पॉइंट टिक करना, व्यापारियों पर ध्यान देने का क्या फायदा होता है राजा को? व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, इसलिए ध्यान देना होता है। व्यापारियों पर विशेष ध्यान रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त दीवान ए रियासत शहर के बाजारों पर नियंत्रण रखता था और माप तौल का निरीक्षण करता था। ये इतना ध्यान क्यों दे रहा था? क्योंकि इसने हर चीज का एमआरपी तय कर दिया। अब एमआरपी तय कर दिया तो किस पे कंट्रोल कर दिया इसने? बाजार। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जिस चीज पे कंट्रोल करेगी सरकार, उसके ऊपर अफसर भी छोड़ना पड़ेगा जो देखे कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं। उसका नाम क्या था? दीवान ए रियासत। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट करना, एमबीटी ने अपने राज्य काल में वस्त्र निर्माण शाला की स्थापना की। तो कह देंगे सल्तनत काल में किस सुल्तान ने राज्य में वस्त्र निर्माण शाला की भी स्थापना की? कौन था वो? हाँ, एमबीटी, यानी अपना पैसा लगा के इसने कुछ मिलिया, ऐसा कुछ करवाया जो भी उस टाइम पे होता होगा। प्रांतीय प्रशासन पे आ जाओ। प्रांत क्या होते थे? देश के छोटे छोटे हिस्से। इकता पढ़ा था हमने, इकता किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। तो यही प्रांत बनते थे आगे। सेकंड पॉइंट टिक करना,
प्रांत के गवर्नर या इकता के प्रधान को वली, सुल्तान, नाजिम, नायब, मुक्ति या इकतादार कहा जाता था। इकता के पास इल्तुतमिश लिख लो, इल्तुतमिश। इसमें नीचे से तीसरा पॉइंट अंडरलाइन कर लो, बाकी इनकी रीडिंग बेशक कर लेना। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी जो स्वशासन और पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत था। गांव के मुख्य अधिकारी पटवारी, लेखाकार जो सबकी लेखा जोखा करते गांव का, चौधरी, खुत, मुकद्दम, मुखिया जो शासन को लगान वसूल करने में मदद करते थे, क्योंकि गांव के सारे खेतों की जानकारी इनके पास थी, ये रिकॉर्ड मेंटेन करते और फिर वहां से राजा के आदमी आते, भाई तुम्हारे गांव में कौन किसान कितना प्रोडक्शन करता है, उसके हिसाब से टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट करना, अलाउद्दीन खिलजी ने खुत, चौधरी, मुकद्दम से विशेष सुविधाएं छीन ली। याद है अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ा स्ट्रिक्ट नियम बनाए थे और ये वही है जो मास तक भी कटवा लेता था अगर गलत मापते तौलते तो। इसने कहा ये बीच वाले बिचौलिए हटा दो, क्यों, ये बिचौलिए प्रोडक्शन ज्यादा होता और किसान इनको थोड़ा सा पैसा देता और ये गलत प्रोडक्शन का जानकारी राजा के आदमियों को देते, तो राजा ने कहा बीच में से आदमी हटा दो, तो ये सब खत्म करवा दिए। किस आदमी ने, खिलजी ने। इसके बाद अगले पेज पर आ जाओ, खालसा। खालसा भूमि किसकी हुआ करती थी, राज्य की। किनसे छीन लेते थे, अमीरों से, पहले फालतू में बांट रखी थी भूमियां। पढ़ लो, प्रांतों के अतिरिक्त कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी थे। खालसा भूमि पे किसका अधिकार था, राजा का, सुल्तान का। खालसा क्षेत्र जिसमें शिक और शहर शामिल थे। खालसा के प्रभारी अधिकारी शहना, शहनाएं मंडी भी हुआ करते थे, शहना अधीक्षक कहलाते थे और सुल्तान द्वारा नियुक्त होते थे। इस क्षेत्र से एकत्रित किया गया राजस्व सीधा केंद्र के खजाने में, यानी अगर ज्यादा खालसा की भूमि होगी तो राजा को टैक्स कम मिलेगा या ज्यादा, क्योंकि यहां का सारा प्रोडक्शन ही उसका टैक्स बन गया है, जबकि अगर अपनी भूमि है तो आप उसका एक तिहाई देंगे या जितना राजा कहेगा उतना, इसका सारे का सारा जाएगा। सैनिक संगठन पे आ जाओ, पहला पॉइंट करना, तुर्की प्रशासन व्यवस्था में सैनिक संगठन का विशेष महत्व था। जो तुर्की और मंगोल पद्धति, इनकी लिखत पढ़त किस जैसी थी, अरबी फारसी, लेकिन इनकी सेना कैसी थी, मंगोल और तुर्की, क्योंकि उनके अटैक करने का तरीका बहुत अच्छा था। नेक्स्ट करना, सैन्य विभाग की स्थापना और अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना का गठन किया, तो सबसे पहले सेना पे काम किस आदमी ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला भी टिक करो, सुल्तानों की सैनिक शक्ति उसने सैनिक बल पर निर्भर, उसके सैनिक बल पर निर्भर करती थी। एक ऐसा बेवकूफ भी था ना जिसने कहा सैनिक की जगह नौकर भेज दो, अपना दामाद भेज दो, क्या नाम था उसका, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक साम्राज्य बैठता चला गया, जबकि किसने अपने साम्राज्य को बहुत बढ़िया बनाया, अलाउद्दीन। अगला पॉइंट टिक करना, ये इसमें नाम टिक कर लो, आगे जाके फिर पढ़ेंगे। अमीर खान मलिक, आगे पढ़ेंगे, खान सबसे बड़ा आदमी बनेगा जब टेबल आएगा। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था इल्तुतमिश के शासनकाल से शुरू हुई। जो ये सैन्य व्यवस्था थी, ये ऐबक ने क्यों नहीं शुरू की, बड़ी सेना नहीं थी। किसने 26 साल काम किया, परमिशन ली खलीफा से, सिक्के चलवाए, इल्तुतमिश। तो सैन्य व्यवस्था किसके काल में शुरू हुई है, इल्तुतमिश के में। इसके बाद अगला पॉइंट करना, इल्तुतमिश की सेना गुलामों के रूप में भर्ती किए गए सैनिकों की शक्ति पर आधारित थी, और इल्तुतमिश खुद भी तो एक गुलाम था और बलबन भी इसी का गुलाम था। नेक्स्ट करना, सेना को नकद वेतन नहीं दिया जाकर इकता प्रदान की जाती थी, किसके टाइम में, इल्तुतमिश। कौन कहेगा वेतन नकद देंगे, अलाउद्दीन खिलजी। नकद वेतन कहां से पूरा करेगा, चीजों की कीमतों को गिरा देगा, थोड़े पैसों में सबका पेट भरेगा। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ दो, अगला पॉइंट करना, सल्तनत की सैन्य व्यवस्था और सैनिक वर्गीकरण संबंधी व्यवस्था खिलजी वंश के उत्थान के साथ प्रारंभ होती है। यानी जो सिस्टमैटिक था ना, प्रॉपर स्थाई सेना, वो खिलजियों के दिन है। सैन्य व्यवस्था का विधिवत प्रारंभ इसी युग में, खिलजी युग में। किसने अपनी प्रॉपर सेना बनाई थी स्थाई, अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसने फिर सैलरी भी दी थी। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिकना, मंगोल सेना का ये वर्गीकरण दशमलव प्रणाली पर आधारित था। दशमलव मतलब, दशमलव क्या होता है, हाँ, अब इसको देखो, जैसे मान लो इसके पास बहुत सारे इकतादार है, 10 हाथियों वाला इकतादार भी होगा, 100 घोड़ों वाला भी, 1000 वाला भी और 10,000 वाला भी। ये जो जीरो है ना, इससे संख्या का अंदाजा लगाते थे, पर जिसके पीछे जितनी ज्यादा जीरो है, इसका मतलब वो उतना बड़ा हेल्पिंग हैंड है राजा के लिए। 10 हाथी वाले को अलग नाम दिया जाता था, 10,000 वाले को अलग नाम, तो हर आदमी की एक वैल्यू थी। भाई वैल्यू किससे मापी जाती थी, कि आपके पास कितनी बड़ी सेना है, क्योंकि जितनी बड़ी सेना होगी उतना बड़ा हेल्पिंग हैंड है राजा के लिए। ये टिक कर लो, सल्तनतकालीन दशमलव प्रणाली, इसे सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था में भी अपनाया गया। ये मंगोलों से आई थी और मंगोलों की चीजों को क्योंकि हमने सेना में ऐड किया, तो ये दशमलव प्रणाली भी। अगले पेज पर आ जाओ, अब ये सब देखो लिखित में है। पहला पॉइंट, जियाउद्दीन बरनी, कौन है ये बरनी, जिसने किताब लिखी है तारीख ए फिरोजशाही, बस पढ़ना है ये, एक काम का उसको मैं टिक करा दूंगी। ये था सरखेल, 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान, सिर्फ पढ़ लो। सिपह सालार 100 घुड़सवार, अमीर के पास 1000 घुड़सवार, मलिक के पास अंडर 10 अमीर काम करते हैं, और एक अमीर के पास कितने घुड़सवार हैं, 1000। फिर खान था 10 मलिक, ये हो गए 100,000 घुड़सवार। लिखो सबसे बड़ा, इसके बाद तो फिर राजा ही बन जाएगा सबसे बड़ा। वो पूछेंगे कि जियाउद्दीन बरनी के अनुसार सबसे बड़ी पोस्ट सेना में किसकी मानी जाती थी, खान की। सिर्फ एक आदमी ने लिखा है, ऐसा सबने नहीं माना, तो खान की पोस्ट बरनी के अनुसार। इसके बाद कौन आता था, सुल्तान। अगला पॉइंट करना, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी मलिक होता था, लेकिन मलिक से बड़ा कौन था, खान, जबकि खान एक आदर सूचक उपाधि थी। टिक कर लो, इन दोनों का अंतर बता रहे हैं, खान एक आदर सूचक उपाधि थी, खान का सैन्य वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं था। तो अमीर तक तो जो था ना सबसे बड़ा, उसके बाद तो फिर रिस्पेक्ट, भाई अपने किसी रिश्तेदार को बनाए थे खान, सुल्तान का खास आदमी है तो खान बना देगा। नेक्स्ट पॉइंट करना, सैन्य सुधारों की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को बेस्ट युग माना जाता है। एक स्थायी सेना का गठन, वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिकों की सीधी भर्ती की और सैनिकों को इकता प्रदान करने की प्रथा को समाप्त कर सरकारी खजाने से नगद वेतन दिया। किसने किया ये सब, अलाउद्दीन ने। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट कर लो, अलाउद्दीन ने घोड़ों की अदला बदली रोकने के लिए दागने की प्रथा, कि जो भी सरकारी घोड़ा है उसके पैर के पास एक निशान होगा तो लोग बेच ना पाए उसको। नेक्स्ट कर लो, फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को, ये तुगलक गड़बड़ करेगा ना, ये क्या कहेगा कि सैनिक नहीं आते तो मत आओ, अपने नौकर भेज दो।
फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को अनुवांशिक आधार पर एकताएं प्रदान की, सेना में दासों की भर्ती करनी प्रारंभ कर दी और सेना को तबाह कर दिया। किसने सेना बहुत बड़ी बनाई थी और किसने बर्बाद कर दी? फिरोज शाह तुगलक ने। दो पॉइंट छोड़ो, अगला टिक करना। एमबीटी के शासनकाल में सैनिक अधिकारियों और उसके अधीनस्थ सैनिकों के वेतन का हम पहली बार हमें विवरण मिलता है, यानी कितने कितने लोगों को क्या सैलरी मिलती थी। ये लिखत पढ़ा तो पढ़े लिखे आदमी ने करवाई, कौन था वो? हाँ, अब सेना पे तीन क्वेश्चन है। सबसे बढ़िया सेना किसने तैयार की? किसने सेना बिल्कुल बर्बाद कर दी? किसने सेना की लिखत पढ़त भी करवाई? एमबीटी ने। जो जैसा होगा वैसे तो काम करेगा। दो पॉइंट छोड़ दो, अगला टिक कर लो। दुर्ग या किला सैनिक सुरक्षा का महान स्तंभ होता था। प्रत्येक दुर्ग का एक दुर्गपाल या कोतवाल होता था। कहां पे न्याय का बड़ा अधिकारी कोतवाल था? दिल्ली में। दिल्ली में। इसका लास्ट पॉइंट टिक करना। इस काल में सेना के तीन प्रमुख भाग थे, घुड़सवार, गज सेना और पैदल सेना। चलो न्याय और राजस्व कल पढ़ लेंगे।